नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक घने वन में करीना नामक एक वृद्ध बुद्धिमान बकरी रहा करती थी। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बहुत कष्ट से व्यतीत कर पा रही थी। बकरी इतनी वृद्ध थी कि आसपास के हरे भरे घास को भी खा पाने में असमर्थ थी। अपने जीवन से परेशान वह इधर उधर भटक रही थी, तभी उसको अचानक एक रास्ते पर मयंक नामक शेर, जंगल का राजा के पदचिन्ह नजर आए। अब करीना बुद्धिमान बकरी ने सोचा, क्यों ना महाराज के चरणों में पड़ी रहूं और भूले भटके यदि शेर महाराज आ जाए तो उन्हीं से गुजारिश करूंगी कि मुझे वह खा जाए, कम से कम महाराज के तो कुछ काम आ जाऊंगा। यह सोचकर वह शेर के पदचिन्ह पर बैठ गई। कुछ देर में शुभम नामक एक चीता आया। वह बड़ा ही खूंखार और मोटा तगड़ा था। भयंकर आवाज में गरज कर बोला, ए करीना बुद्धिमान बकरी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे डर नहीं लगता मुझसे? करीना ने बड़े निर्भीक भाव से बोला, देखते नहीं यह मयंक महाराज का पदचिन्ह है, उन्होंने ही बिठाकर यहाँ रखा है और कहा है जब तक मैं वापस ना लौट आऊं तब तक तुम यहीं बैठे रहना। जंगल का कोई भी जानवर कुछ बोले तो यह पदचिन्ह उसे दिखा देना, यह महाराज का पदचिन्ह है। अब चीता वहां से दबे पांव 9-2-11 हो जाता है। बुद्धिमान बकरी वहीं बैठी रहती है। काफी समय गुजर जाने के बाद घूमता फिरता एक सियार भोजन की तलाश में वहां आ जाता है। ललचाई हुई दृष्टियों से उस बकरी की ओर देखता है और आक्रमण करने से पहले वह उससे पूछता है कि तुम यहां क्यों बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लगता? फिर उसने एक बुद्धिमान बकरी निर्भीक आवाज में वही जवाब दिया जो चीते शुभम चीता को दिया था। अब सियार सिंह महाराज का नाम सुनते ही रफूचक्कर हो गया। इस प्रकार जंगल के अनेक प्रकार के हिंसक जानवर आए और बकरी से वार्तालाप करके अंतर्ध्यान हो गए। बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि शेर सिंह महाराज उसी रास्ते वापस आता है और बकरी को गरज कर पूछता है कि बकरी तो यहाँ क्यों बैठी हुई है? बकरी ने बड़े ही शालीनता से सहज भाव से महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं अभी तक तो आपके ही आश्रय में बैठी हुई थी। मेरी वृद्धावस्था के कारण घूमना फिरना भोजन आदि जीवन में अनेकों परेशानियां हो गई है। मैं इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती हूँ। आप मुझे मार कर खा जाए या फिर आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, मैं अभी तक आपके नाम से अपने प्राणों की रक्षा करती रही। इस चिन्ह को आपका प्रतीक बनाकर यहाँ बैठी थी और अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी। बलवान व्यक्ति सदा दयालु प्रवृत्ति का होता है, शेर को दया आई। जंगल में तुरंत एक सभा का आयोजन किया गया। उसमें सभी जीव जंतु जानवर विभिन्न प्रजातियों के सभी वहां सम्मिलित हुए। महाराज का आदेश हुआ कि जो हिस्ट पुष्ट बलवान और लंबे चौड़े जितने भी हाथी हैं, वह निश्चित कर ले एक एक दिन और इस बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमाएंगे और जहां भी कोमल कोमल पत्ते हरे हरे नजर आए इस बकरी को जो पत्ता खाने का मन करे उस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए, यह बकरी उस पत्ते को खा लेगी। पत्ते तक यदि पहुंच ना बने तो डाली झुकाकर अथवा इसके सहूलियत अनुसार भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। अब महाराज का आदेश कौन न माने। इस प्रकार बकरी के भोजन का प्रबंध हो गया। अब कुछ ही महीने हुए कि बकरी हृष्ट पुष्ट और नवेवती के समान हो गई। कहां प्रौढ़ावस्था और कहां यह युवावस्था, कुल मिलाकर बकरी का भाग्य बदल गया। वह जीवन के कुछ कठिनाई भरे क्षणों में परेशान हो गई थी, किंतु उसके विवेक बुद्धि ने उसका जीवन बदल दिया। वह अब आनंदमय जीवन को जीने लगी। नैतिक शिक्षा, व्यक्ति के पास स्वच्छ मन और निष्ठा व चातुर्य बुद्धि हो तो जीवन में असफल कार्य को भी सफल कर सकता है। इसलिए कठिन समय में परेशान होने की जगह बुद्धि का प्रयोग कर उस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। TDIT Dudit Surasai of you of you is at CDFIFIFO.